लोगों को टीकाकरण का दूसरा डोज लगवाने के लिए जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह समाज के सभी संगठनों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करने की अपील भी कर रहे हैं। लंबे समय से दूसरे डोज की वैक्सीन नहीं लगाने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस लिया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी व्यापारिक एसोसिएशन, सामाजिक व धार्मिक संगठनों, स्व सहायता समूहों, सहकारी निर्माण सोसाइटियों, कॉरपोरेट हाउसेस और सरकारी विभागों के साथ बैठक कर समन्वय किया। बैठक में कलेक्टर ने सभी संगठनों से अपील की है कि वे लोगों को दूसरे डोज की वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। सभी संगठनों ने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों से 30 नवंबर तक वैक्सीनेशन कराने की बात कही। इसके बाद भी जो लोग लापरवाही बरतेंगे उन्हें नौकरी, रोजगार, राशन, आवश्यक वस्तुओं और सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में इंदौर दूध उत्पादक संघ ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। अब 30 नवंबर तक जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगाया है उन्हें दूध नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सहकारी सोसाइटियों से राशन नहीं मिलेगा। अभी जैसा आप सभी को मालूम है कि लगभग 9.5 लाख सेकेंड डोज पेंडिंग है अभी इंदौर में। कल से माहौल बना है शहर में और बहुत सारे एसोसिएशन ने स्वेच्छा से ही कई निर्णय लिए हैं। जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 30 तक उन्होंने कैंप्स ऐसे चालू करा दिए हैं। उनका ये कहना है कि 30 तक हम सभी फैक्ट्रियों में हम लोगों ने सूचना दे रहे हैं सबको, और सभी फैक्ट्री संचालक अपने लेबर्स को बोल रहे हैं कि कैंप्स लगे हुए हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और आप टीकाकरण कराइए। और 30 नवंबर तक अनिवार्यता सबको कराना है। अगर 30 नवंबर तक नहीं कराते हैं तो 1 तारीख से उन लोगों ने निर्णय स्वेच्छा से लिया है कि हम लोगों को नौकरी पर नहीं रखेंगे। इसी प्रकार का निर्णय दूध विक्रेता संघ ने भी लिया है कि उनका ये कहना है कि उनकी सुरक्षा इसमें है कि जिस घर में दूध देने जा रहे हैं या जहाँ से दूध क्रय कर रहे हैं उनके घर में सभी जगह टीकाकरण के दोनों डोज होने चाहिए ताकि उनके लोग सुरक्षित रह सकें। उन्होंने भी निर्णय लिया है कि 30 नवंबर तक हम चेक करना शुरू कर देंगे कि जहां से हम ले रहे हैं या जहां दे रहे हैं वहां सभी परिवार में सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण हो गया है, और जो जहाँ नहीं होगा वहाँ हम ये नहीं इसको नहीं करेंगे। कई रहवासी संघों जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं इंदौर में, बहुत सारी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं आवासी, उन लोगों ने भी निर्णय ले लिया है और अपने बैनर्स लगा दिए हैं कि जितने भी लोग उनके अंदर एंटर कर रहे हैं, काम करने वाले या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, दूध देने वाले या अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स, उनमें भी अनिवार्यता वो लोग चेक कर रहे हैं कि आप जो भी आ रहे हैं अंदर आप दोनों टीकाकरण के सर्टिफिकेट लेके आइए, तभी हम प्रवेश करेंगे आपको। और इन रहवासी संघों ने ये भी इंश्योर कर लिया है कि इनके जो रहवासी संघ में रहने वाले जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं सबका दूसरा टीकाकरण हो गया हो। ये सब ने कराने के बाद ये बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। इस तरह के वातावरण में ज़्यादातर अभी इस समय जो लोअर मिडिल क्लास है वही बचा हुआ है दूसरी डोज टीकाकरण के लिए। उसमें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को बुलाया गया था क्योंकि सब बस्तियों में काम करते हैं, एक्टिव महिलाएं हैं सभी, ये इनके माध्यम से सभी को सूचना संदेश दे रहे हैं। ये लोग आइडेंटिफाई करके सबका टीकाकरण कराएंगे। सभी जगह वैक्सीनेशन केंद्र चालू हो गए हैं, कुछ जगह आज और कल और बढ़ रहे हैं केंद्र, उनको भी ताकि हर जगह जो भी चाहे इसको दिक्कत नहीं आए कि वैक्सीनेशन कराने में। जितने भी नगर निगम के 19 जोन है शहर में उसमें सभी जगह पे रात में 10 बजे तक कैंप चालू रहे। इसके लिए जोन ऑफिस के बाहर टेंट और लाइट की व्यवस्था की जा रही है। जो लेबर लेट पहुंचते हैं घर में उनके लिए व्यवस्था रहेगी कि अपने नियरेस्ट जोन कार्यालय में जाकर के वो रात में भी 9-10 बजे तक टीकाकरण करा सकते हैं। 3-4 आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्र भी चालू हो गए हैं। जिन अपर मिडिल क्लास या जो अन्य वर्ग है, जो गाड़ी वाले हैं, अगर वो गाड़ी में बैठे बैठे टीकाकरण सेकंड उनका नहीं लगा है, वैसे अधिकांश लग चुका है पर नहीं लगा है, तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन में जाकर के अपना टीकाकरण करा सकते हैं। कनकेश्वरी देवी हो गया, नेहरू स्टेडियम हो गया, दशहरा मैदान हो गया, राहू का स्कूल हो गया, एमरल्ड हाइट्स, इन सब जगह आज से चालू हो गए हैं। शहर में अभी भी लगभग 9 लाख लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लगना बाकी है। जो लोग जानबूझकर या भ्रम से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन पर कलेक्टर ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।